वीडियो में दिखाए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करने से पहले ध्यान रखें, यह नंबर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेने के लिए उपलब्ध है। आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके शुल्क पता कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा व प्रश्न कुंडली का विश्लेषण कराने हेतु इस नंबर पर संपर्क करें। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के साथ में कुंभ राशि की लव लाइफ, फ्रेंडशिप लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहती है, आखिर इनकी जोड़ी कैसी रहती है, आपस में इनकी कैसी बनती है, आइए जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कर्क राशि, जो कि चंद्रमा उनके स्वामी बनते हैं, कर्क राशि के जो राशिपति हैं वो चंद्रमा हैं और कुंभ राशि के राशिपति शनि हैं। चंद्र और शनि, चंद्र तो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, पर चंद्र शनिदेव को सम मानते हैं और शनि चंद्र को शत्रु मानते हैं। यानी कि यहाँ पर देखना ये होगा कि आपस में अगर दोस्ती हो जाती है कर्क राशि के साथ में कुंभ राशि की, तो एक समय तक ऐसा रहेगा कि कर्क राशि का व्यक्ति तो उसे समान ही देखेगा, सामान्य गतिविधियों में लेगा, लेकिन कुंभ राशि का व्यक्ति कर्क राशि को अपना शत्रु इत्यादि मान सकता है और विवाद में, कई विवाद ऐसे आ जा सकते हैं जिससे आप लोगों में अनबन हो, बार बार लड़ाइयाँ हों, मनमुटाव हो, और जिससे ज़्यादा अच्छी बने ना आपके बीच में झगड़े इत्यादि हो करके, अगर दोस्ती हो जाती, फ्रेंडशिप हो जाती है तो जल्दी ही टूट जाए। लेकिन लव लाइफ की हम बात करें तो इसमें लव और मैरिड लाइफ दोनों की ही बात करें तो दोनों में ही खराब स्थितियां हैं। लव लाइफ के लिए इसलिए खराब स्थितियां हैं, लव जब तक चलेगा तब तक ठीक है, रिलेशनशिप में आप रहेंगे तब तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर कर्क राशि से कुंभ राशि अष्टम पड़ेगी और जिसके चलते कर्क राशि का व्यक्ति कुंभ राशि से, निश्चित ही कुंभ राशि का व्यक्ति कर्क राशि को एक दिन ऐसा आएगा कि वो लव रिलेशनशिप उनका ऐसा बन जाएगा कि वो शत्रु मानेंगे, ये मानकर चलिए कि वो शत्रु मानने लगेंगे, कुंभ राशि के लोग शत्रु मानने लगेंगे कर्क राशि को, क्योंकि इसलिए कर्क राशि उन्हें धोखा देगी। इनका आपस में ज़्यादा साथ होना इनके लिए अपमानदायक है। अगर ये शादी के लिए बात करेंगे तो घर में भी इनकी और रिलेशन में भी इंसर्ट होती है, तो इससे ये शादी नहीं कर पाते हैं। इसके चलते क्या होता है, इनके गुप्त संबंध इत्यादि बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि इनका प्रेम एक रहस्य बनकर रह जाता है, रहस्यमय बन के रह जाता है, क्योंकि अष्टम स्थान एक तरह से गुप्त काल पुरुष की कुंडली में गुप्त भाव, गुप्त स्थानों को और गुप्त क्रियाओं को दर्शाता है, और खासकर आपके मैरिड लाइफ के जो संबंध हैं, आपके कहीं भी गुप्त संबंध हैं उन्हें दर्शाता है। तो इसमें साफ तौर से देखा जाना चाहिए कि निश्चित ही कर्क राशि का व्यक्ति ये कहेगा अपने पार्टनर से कुंभ राशि के कि आप शादी कर लें, लेकिन हम यहाँ पर रेगुलर अपने जो संबंध हैं उन्हें जारी रखेंगे, और यही बात कुंभ राशि को राज नहीं आएगी और वो निश्चित ही इस पर बहुत ही क्रोधित हो जाएंगे और शत्रु समझने लगेंगे कर्क राशि को, ये देखना होगा। और आपको एक खास बात बता दें, मैरिड लाइफ में इन लोगों के बहुत ही दिक्कत रहती है, दिक्कत अगर इनकी शादी हो जाती है आपस में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो अचानक से होती है, कभी भी इनका ज़्यादा आपस में बनती नहीं है इनकी, और लड़ाई झगड़े इत्यादि हो जाए इस बात पर, और ख़ासकर स्त्रियों के चलते इनकी लड़ाई हो जाए, ये आपस में रहें और समाज में या रिलेशन में कहीं फैमिली में जाएं, कोई फंक्शन अटेंड करें, वहाँ पर इन्हें कोई ऐसी बात कह दी जाए जिन्हें आपस में एक हीन भावना के शिकार हो जाते हैं ये लोग। आपस में अगर कोई जोड़ी देखता है तो जोड़ी पर कोई कमेंट ऐसी कर दे, चाहे भले ही मजाक में कर दे, वो मजाक या सीरियस लेकर के अपने लाइफ को बहुत ही ख़राब करते हैं, यानी कि बहुत ही आपके जीवन में ऐसी उथल पुथल मच जाती है, वो एक कमेंट किसी का आपके पार्टनर को झकझोर के रख देता है और वो इस पर बहुत ही विचार करता है, हीन भावनाओं से ग्रसित हो जाता है जिससे आपस में विवाद बढ़ता है। तो मेरे मानने में फ्रेंडशिप, लव लाइफ और साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ भी इसमें सही नहीं है कर्क राशि के साथ में कुंभ राशि की। तो दोस्तों हमारा डिसीजन तो यही है कि आप लोग शादी करें तो कुंडली और गुड़ मिलान करने के बाद ही करें, लेकिन ऐसी स्थितियों में आप इस वीडियो को देख करके पता लगा सकते हैं कि आपकी आखिर क्या चल रहा है लाइफ में। अगर इस वीडियो में जो जानकारी आपको मिली है वह सच है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें,
और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।